पेंच नेशनल पार्क में सफारी के दौरान बाघिन के साथ पांच नन्हे शावक देखकर सैलानी रोमांचित हो गए। इसके बाद पेंच पार्क प्रबंधन ने बाघिन के पांच नन्हे शावकों को साथ लेकर चलने की पुष्टि की। पेंच नेशनल पार्क में लगातार बाघों की संख्या बढ़ रही है। पेंच नेशनल पार्क में हाल ही में बाघ शावकों ने जन्म लिया है। इनकी उम्र करीब 2 माह के आसपास बताई जा रही है, जो गुफा से बाहर निकलकर बाघिन के साथ घूम रहे हैं। रविवार सुबह शावकों के साथ सड़क पार करती बाघिन की तस्वीरों को पेंच नेशनल पार्क के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर इमरान खान ने अपने कैमरे में कैद कर लिया है। सैलानियों ने नन्हे शावकों व बाघिन के वीडियो भी मोबाइल पर रिकॉर्ड किए हैं। पेंच नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर विक्रम सिंह परिहार ने बताया कि चौथी बार में पाड़देव बाघिन ने एक साथ 5 शावकों को जन्म दिया है। करीब एक पखवाड़े से बाघिन नन्हे शावकों के साथ मैदानी इलाके में दिख रही है। इससे पहले यह बाघिन 3 बार में 10 शावकों को जन्म दे चुकी है। बाघों का कुनमा बढ़ाने का कीर्तिमान बना चुकी पेंच नेशनल पार्क में मशहूर कॉलर वाली बाघिन ने साल 2010 में पाड़देव बाघिन को जन्म दिया था। सफारी का खुशनुमा माहौल होने के कारण इन दिनों पेंच नेशनल पार्क में जंगल की सैर करने सैलानी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कोर एरिया के साथ ही बफर क्षेत्र में भी वन प्राणी सैलानियों को आसानी से नजर आ रहे हैं। ऐसे में बाघिन के साथ नन्हे शावकों को देखकर सैलानियों में उत्साह व रोमांच बढ़ गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।